हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखिए, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये डोरमेट लेकर आई हूँ। आप इसे थाल कवर, टेबल कवर भी बना सकते हैं। इसको मैंने दो रंगों का बनाया हुआ है, रेड और स्काई ब्लू। आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं, या तो आप मल्टी कलर का भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फेदर की उल लगाई हुई है, जो कि बहुत ही ब्राइटनेस है। देखिए कितना इसमें चमक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सेकेंड कलर मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर नॉर्मल ऊन लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 कली हमारी कंप्लीट हो गई है बनकर। देखिए, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो रंग का यूज़ किया हुआ है। रेड कलर फेदर की ऊन ली है और स्काई ब्लू देखिए हमने नॉर्मल वर्धमान की ऊन ली है। फिर यहाँ पे रेड, दो कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने 22 फंदे डाले हुए हैं। अगर आप साड़ी से बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो 32 फंदे डालिए, 2 के मल्टीपल। ये मैं आप लोग को छोटा सा बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 22 फंदे डाले हैं। अगर आप ऊन का बनाना चाहते हैं तो 42 फंदे डालेंगे, तभी आपका नॉर्मल बनेगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर 3 कली बना ली है। अब चौथी कली हमने, सॉरी, यहाँ पे 4 कली बनाई है, 5वीं कली हमने बनाना है। तो यहाँ देखिए, हम पीछे के साइड से हमारा ऊन रेड वाला ख़त्म हो गया था, तो इसको हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे पीछे से। और यहाँ पे मैं 6 नंबर की सलाई यूज कर रही हूँ। तो पीछे के साइड से हम सेकंड कलर लगा के सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे पीछे की साइड से, और पीछे की साइड से हम कलर चेंज करके आगे की साइड आएंगे। आप इसे 2 से 3 रंगों का भी बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाने में। अगर आपके पास फेदर का ऊल हो तो सबसे अच्छा होता है फेदर का ऊल डोरमेट के लिए। जल्दी बनता भी है और अच्छा भी लगता है। अब देखिए, इस साइड से पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। अब देखिए, उसके बाद बाकी के फंदे को हम फेदर वाले से बना रहे हैं, तो इसलिए हम उल्टा सीधा बना रहे हैं। आप नॉर्मल ऊन से बनाएंगे तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे, या तो दोनों साइड से सीधा सीधा गार्टर स्टिच बनना चाहिए। ये देखिए, हम सभी फंदे को एक एक करके बना रहे हैं। लास्ट में हमारा 2 फंदा है, तो इन 2 फंदे को हम छोड़ देंगे, इनको नहीं बनाएंगे। और बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए, देखिए हम सभी फंदे को बनाकर आगे की साइड आ गए हैं। फिर पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बना रहे हैं। ये हमने 2 फंदे छोड़े थे, फिर यहाँ पे हम 2 फंदे छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए, 2 फंदा और 2 पहले छोड़ा था यहाँ पे, और फिर 2 फंदे और छोड़ेंगे। सलाई को अपनी साइड ले जाएंगे, बाकी के फंदे को हम पीछे की साइड से हमेशा फंदे को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे।
देखिए फिर हम आगे की साइड आ गए हैं। फिर पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए थ्री टाइम हमने दो दो फंदे छोड़े, एक दो तीन। अब फिर हम सिलाई को अपनी साइड, बाकी के फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए, ये देखिए दो दो फंदे छोड़ते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई हमने पूरी लाल कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे यहाँ लास्ट तक, उसके बाद फिर हम सेकेंड कलर लगाएंगे। तो ऐसे ही हमारी डिज़ाइन बनेगी, जब हमारा दो दो करते ऊपर तक आ जाएगा उसके बाद एक सिलाई हम इसी कलर का बना के पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पीछे की साइड से हम स्काई ब्लू कलर को लगाएंगे। तो ऐसे ही हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत है, आप लोग ऐसे ही बनाइए जितनी भी कली बने। आप लोग को सिलना भी बताया है और फंदे उतारना भी बताया है, तो जितनी भी कली बनेगी उसके बाद आपने क्या करना है, सिल देना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये बिछाने पे बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और बहुत देखिए सॉफ्ट भी है और कंफर्टेबल भी रहेगा ये देखिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।